गाइस, तो कैसे हैं आप सब? होपफुली गाइस आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ एक इंटरनेशनल ट्रिप पे, दिल्ली टू नेपाल काठमांडू, और मेरी फ्लाइट है 1:50 की। मैं जा रहा हूँ एयर इंडिगो से, और अराउंड 3 आवर्स पहले मेरे को पहुँचना पड़ेगा। और घर से एयरपोर्ट तक मैं जाऊँगा बाय मेट्रो, यहाँ से जाऊँगा मेट्रो, एयरपोर्ट लाइन पकड़ूंगा, उसके बाद टर्मिनल 3 पे पहुँच जाऊँगा। मैं मिलते हैं आपसे मेट्रो में। तो गाइज मैंने अपना सामान अपना पैक कर लिया, बैग नीचे पड़ा है, बस एक ही बैग लेकर जा रहा हूँ। गाइज मैं पहुंच चुका हूँ द्वारका सेक्टर 21। बैठ चुका हूँ अभी एयरपोर्ट लाइन में, और मेट्रो यहाँ की कुछ ऐसी दिखती है। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ टर्मिनल 3 पे। तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट, फटाफट से चेक इन कराते हैं और अंदर एंट्री करते हैं फटाफट। तो गाइज ये है ड्यूटी फ्री एरिया। एयरपोर्ट से आपको लिकर परचेज करने पे कोई ड्यूटी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ से आप एयरपोर्ट पे थोड़ी क्वांटिटी में शराब लेके जा सकते हैं। गाइज मैं हूँ अभी एयरपोर्ट पे, मैंने बोर्डिंग पास भी ले लिया है, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ गेट नंबर देखते हैं। और अगर आपके पास नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड से भी जा सकते हैं, आधार कार्ड वहाँ पे नहीं चलता, लेकिन वोटर आईडी कार्ड से आप जा सकते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अभी एयरपोर्ट पे, और अभी बहुत टाइम है, अभी अराउंड मैं 2 घंटे पहले पहुँच चुका हूँ। मैंने बोर्डिंग पास भी ले लिया, इमिग्रेशन भी करवा लिया। तो अभी गेट नंबर चेक करते हैं, बोर्डिंग पास मेरे पास ये रहा, गेट नंबर चेक करते हैं, बोर्डिंग पास पे लिखा नहीं हुआ गेट नंबर, तो हमारा है 8B। तो चलते हैं भाई। एयरपोर्ट पे ना स्मोकिंग रूम भी अलग से बना रखे हैं। तो भाई ये रहा अपना प्लेन, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई अब बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं नीचे, और जो भी करेंसी डिटेल्स है ना वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। और मैं टाइम लैप्स में आपको दिखाता हूँ कि दिल्ली का रनवे इतना बड़ा है, ये ना प्लेन नीचे 10-15 मिनट 20 मिनट तक तो नीचे ही चलता है, उसके बाद टेक ऑफ होता है। आप टाइम लैप्स में देखिए, आपको पता चलेगा। भाई
चुका है बादलों के ऊपर और ऐसा लग रहा है कि प्लेन इतना स्लो चल रहा है ऊपर से पता ही नहीं चल रहा कि प्लेन कितना ही तेज़ चल रहा है। और अगर आप नेपाल जाओ तो कोशिश करना कि आपको विंडो सीट मिले, बिकॉज़ आपको ना व्यूज़ देखने के लिए बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, माउंटेन व्यूज़, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा आपको। यहाँ से बादल देखो कैसे लग रहे हैं, रुई की तरह, ऐसा लग रहा है कि कोई फॉर्म या रुई रखी हुई है। और माउंटेन व्यूज़ भी स्टार्ट हो गए हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा काठमांडू वैली का व्यू, तो वो देखना कितना अच्छा है। तो ये आपको दिख रहे होंगे काठमांडू वैली पूरी। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं द लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स नेपाल में। तो मैं बाहर निकल के आपको दिखाता हूं कि कितना ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और ये देखो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है ना। अब मैं फ्लाइट से उतर के बस में चढ़ चुका हूँ रनवे से एयरपोर्ट पे जाने के लिए। और यहाँ से आप व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है। एयरपोर्ट पे घुसते ही आपको छोटी सी एक बुद्ध भगवान की मूर्ति दिख जाएगी। और ये जो लाइन देख रहे हो आप, यहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आईडीज चेक होंगी यहाँ पे। ये सामने हम इमिग्रेशन करवाएंगे और बाहर जाएंगे। और एयरपोर्ट दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा है लेकिन खूबसूरत बना रखा है बहुत। तो गाइज यहाँ पे मैंने इमिग्रेशन करवा लिया है, अब बारी है लगेज लेने की। तो लगेज लेते हैं और जल्दी बाहर निकलते हैं। तो गाइज अपना लगेज भी आ गया है। ये देखो गाइज सही बना रखा है एयरपोर्ट, छोटा है लेकिन बढ़िया है। करेंसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडिया के 100 रुपये नेपाल में 160 रुपये के बराबर हैं। तो आप अगर एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट से बाहर जाके, बाहर भी आपको काउंटर मिल जाएंगे एक्सचेंज कराने के लिए। और गाइज आप यहाँ से सिम भी ले सकते हो, अगर आपको सिम विम चाहिए तो वोटर आई डी कार्ड दे के, पासपोर्ट दे के। और एयरपोर्ट के बाहर मेरे फ्रेंड्स मुझे लेने के लिए आएंगे जो कि नेपाल के ही हैं और नेपाल में ही रहते हैं। तो गाइज मैं आ गया था 1.5 घंटे पहले, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। मैं 7 बजे घर आ गया था, फिर थोड़ा रेस्ट करा, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करके अभी आए हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे मैंने फ्राइड राइस ऑर्डर करे हैं और एक 7 अप मंगाई है। और आपको दिखाता हूँ मैं रेस्टोरेंट कैसा है। रेस्टोरेंट का व्यू एक नंबर का, इसमें ना फिश भी है पानी में। तो यहाँ पे हमारा फ्राइड राइस आ गया है, चिकन नेक फ्राइड राइस, अब इसको खाते हैं उसके बाद चलते हैं घर। तो यहाँ पे हमारा थुपका भी आ गया है, इसको भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और बारिश भी हो रही है, बढ़िया है, सही है टेस्ट।